वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ अंकिता कारिया और आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक। अगर आपको ज्वेलरी पसंद है आज ये वीडियो आपके लिए है। मैंने कुछ एक्सेसरीज खरीदे ऑनलाइन, फिर कुछ हिल रोड से, कुछ मलाड मार्केट से, कुछ क्रॉफर्ड मार्केट से, एंड गाइज मुझे ये सारी एक्सेसरीज पड़े हैं एट अराउंड 50 या 100 और कुछ अराउंड 25-30 रुपीज़ में भी मिल रहे हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू नो कि ये इयररिंग्स क्या है एंड मैंने क्या क्या चीज़ें शॉप की है, कीप वॉचिंग द वीडियो। चले लेट्स गो। ये है मेरा ज्वेलरी का पिटारा। मैं मेरे सारे इयररिंग्स, डेली वेयर इयररिंग्स इसमें स्टोर करती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या कहाँ से खरीदा है। सबसे पहले मैं इस डब्बे को ओपन करूँगी। इसमें मेरे सारे हूप्स और कुछ ट्रेंडी इयररिंग्स मैं रखती हूँ। मैं आपको बताऊँगी एक एक करके कि मैंने कौन से कहाँ से लिए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि मैंने अमेज़ॉन से कुछ इयररिंग्स के सेट खरीदे थे फॉर अराउंड 250 रुपीज़ और इस सेट में मुझे 6 इयररिंग्स मिले। मैं बताऊँगी कि कौन से है वो इयररिंग्स। उसमें ये ब्यूटिफुल ऐसे गोल्डन कलर के स्टड्स है, दे लुक रियली गुड आफ्टर वेयरिंग। नेक्स्ट इयररिंग जो ये किट में आया था वो है ये वर्टिकल गोल्डन स्टड। दिस ऑल्सो लुक्स वेरी ब्यूटिफुल आफ्टर वेयरिंग। ये सारे जो स्टड्स है वो आप किसी पर भी वेयर कर सकते हो। इफ़ यू आर वेयरिंग क्यूट ड्रेसेस उस पर ये बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको कोई आउटफिट है जो ऐसे पोलो नेक है और टर्टल नेक है, यू कैन जस्ट टाई अ बन एंड यू कैन वेयर दी स्टड्स। ये बहुत सुंदर लगते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इस किट के साथ मुझे 3 और स्टड्स आए थे जो बहुत ही छोटे छोटे हैं। इफ़ यू आर समवन जिसको एवरी डे के लिए, इफ़ यू आर गोइंग टू ऑफिस और आपको स्टड्स पहनना बहुत पसंद है छोटे, आप ये 3 स्टड्स डेली ऐसे चेंज करके स्विच करके पहन सकते हो। मेरे हिसाब से ये किट बहुत ही अच्छा है। 250 में मुझे ये मिला, विच मीन्स लेस देन 50 रुपीज पर इयररिंग, विच इज़ अ फैब डील। अब नेक्स्ट जो किट मैंने अमेजोन से खरीदा है वो है ऑफ हूप्स। इसमें मुझे 3 हूप्स और 3 स्टड्स मिले। द फर्स्ट हूप इज दिस वन। ये एक पर्ल और गोल्ड ऐसे कॉइल्ड हूप है। इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा। अगर मैं कोई ऐसे आउटफिट डाल रही हूँ विच इज़ वाइट एंड गर्ली एंड आई वॉन्ट टू लीव माई हेयर ओपन, तो मैं ये हूप्स डाल सकती हूँ। एज यू कैन सी ये बहुत क्लियरली दिखता है एंड इट गिव्स अ वेरी गुड कलर ऑन माई फेस, इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट इयररिंग जो मुझे मिला है वो है ये क्यूट से छोटे से पर्ल हूप्स। मुझे बहुत टाइम से पर्ल हूप्स चाहिए थे बट ये थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं, बट मुझे ये अमेजोन पे मिला इन दिस किट। एंड ये किट भी मुझे कुछ 250 में पड़ा, विच मीन्स ये मुझे अराउंड 50 रुपीज़ में मिला, विच इज़ लाइक अ फैबुलस डील। दिस इज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी, इसे भी आप कोई ऐसे गर्ली ड्रेसेस पे पहन सकते हो, ये बहुत प्यारे लगते हैं। ये थे मेरे किट्स जो मैंने अमेजोन से खरीदे थे। मैंने एक और खरीदा, उसमें भी कुछ हूप्स थे बट इन तीनों की क्वालिटी बहुत फैबुलस है एट द प्राइस दैट आई गॉट। 250 रुपीज़ में मुझे ये किट्स पड़े हैं, 3 डिफरेंट किट्स, एंड आई थिंक 50 रुपीज़ फॉर वन इयररिंग विथ सच गुड क्वालिटी इज़ अमेजिंग। मैं इन सारे इयररिंग्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अगर आपको परचेज करना हो तो। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब आते हैं कुछ इयररिंग्स जो मैंने हिल रोड से खरीदे। सबसे पहला जो मैं इयररिंग बताने वाली हूँ वो है वेरी क्यूट से हूप्स। दिस इज अ वेरी डिफरेंट कलर। ये एक येलो कलर के हूप्स है। कुछ आउटफिट्स है जो मैं ऐसे कॉन्ट्रास्ट में इयररिंग्स पहनना पसंद करती हूँ। इफ़ आई एम वेयरिंग अ वाइट शर्ट विथ येलो पैंट्स, आई थिंक ये हूप्स उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे एंड आई लव द क्वालिटी। ये मुझे कुछ अराउंड 100 रुपीज़ में पड़ा एंड 100 रुपीज़ फॉर सच फैबुलस क्वालिटी इज़ अमेजिंग। इसके लिए मैं आपको नीचे एक उनका कार्ड एंड एड्रेस है मेरे पास जहाँ से मैंने ये खरीदे है इयररिंग्स। वो अंकल जो है जो हिल रोड पे बेचते हैं उनके पास सारे ट्रेंडिंग इयररिंग्स मिलेंगे आपको एट अराउंड 100 रुपीज़ एंड यू शुड डेफिनेटली चेक हिम आउट इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर ट्रेंडी इयररिंग्स। मैंने कुछ और ट्रेंडी और फंकी इयररिंग्स लिए हैं वही सेम अंकल से एंड ये है वो 2 अलग कलर्स जो मैंने लिए हैं। दिस इज़ जस्ट बिकॉज इफ़ आई वॉन्ट टू वेयर एनी कॉन्ट्रास्ट इयररिंग्स दीज वुड लुक रियली गुड। नेक्स्ट इयररिंग जो मैंने लिया है वो ऐसा एक इयररिंग है जो इंडियन वेयर में भी अच्छा लगेगा और वेस्टर्न में भी। दिस इज़ द इयररिंग दैट आई हैव गॉट। ये भी मैंने उसी अंकल के पास हिल रोड से लिया है। ये मुझे कुछ पड़ा है अराउंड 250 बट द क्वालिटी इज़ फैबुलस। अगर आप किसी स्टोर में जाओगे इसे लेने, ये आपको ईजिली 1500-2000 के नीचे नहीं मिलेगा। दिस वन इज़ टू गुड, टू गुड।
नेक्स्ट ईयरिंग जो मैंने लिया है वो मैंने लिया है मलाड मार्केट से। सो अगर आप एक शॉपोहॉलिक हो तो आपको पता होगा कि मलाड मार्केट इज़ नोन फॉर ज्वेलरी शॉपिंग। सो मैंने ये ईयरिंग वहाँ से लिया था। ये बहुत ही सुंदर पर्ल स्टड ऐसे झुमके जैसा ईयरिंग है एंड ये आप इंडियन पे भी पहन सकते हो और वेस्टर्न पे भी पहन सकते हो। तो ये मुझे बहुत ही क्यूट लगा। ये मुझे कुछ 150 रुपीज़ में मिला विच इज़ अ वेरी गुड डील। ये बहुत सुंदर लगता है आफ्टर वेयरिंग। जस्ट सी, आई लाइक दिस वन। अब मैंने मलाड से एक और ईयरिंग लिए थे, वो है ये। दीज आर वेरी चंकी, नॉट वेरी चंकी आई वुड से एंड नॉट वेरी बेसिक। तो मेरे पास बहुत सारे गोल्डन ईयरिंग्स हैं बट सारे बहुत ही बेसिक है, तो मुझे कुछ अलग चाहिए था इसीलिए मैंने ये वहाँ से ले लिया। ये मुझे कुछ मिला अराउंड 100 रुपीज़ विच इज़ वेरी गुड बिकॉज इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब जैसे आपने देखा कि ये सारे ईयरिंग्स जो भी मैंने दिखाए और लिए हैं वो या तो गोल्डन है या तो फिर कलरफुल या बहुत चंकी। तो अब मुझे कुछ सिल्वर ईयरिंग्स भी लेने थे तो मैंने दो सिल्वर ईयरिंग्स उठाए हैं। एक ये है जो बहुत ही क्यूट से हुप्स है एंड ये 3-लेयर हुप्स है एंड दूसरा जो मैंने लिया है वो है एक स्टड। एक्चुअली सिल्वर ईयरिंग्स बहुत स्पेसिफिक कपड़ों में जाता है एंड गोल्डन गोज ऑन एवरीथिंग, इसलिए मैंने सिर्फ दो अभी फिलहाल तो दो ही पिक किए हैं। ये दोनों भी मैंने बांद्रा हिल रोड से ही लिए हैं एंड ये भी कुछ मुझे अराउंड 50 और 100 रुपीज़ में ही पड़े विच इज़ अ वेरी गुड डील। नेक्स्ट ईयरिंग मैंने एक लिया है हुप। दिस इज अ गोल्डन हुप। मैंने इतने सारे गोल्डन ईयरिंग्स लिए हैं बट देन आई डोंट हैव एनीथिंग दैट जस्ट स्टैंड्स आउट, जो ऐसे आउटफिट के ऊपर बहुत ही हटके लगे, तो मैंने ये एक हुप लिया है। सो दिस इज वेरी ब्यूटिफुल। इसकी डिटेलिंग बहुत अच्छी है, इस पे एक ऐसे मार्बल जैसा फिनिश दिया हुआ है जिसके वजह से ये हुप बहुत ही सुंदर लगते हैं। मैं आपको ऐसे ही बस लगा के दिखाती हूँ। सो दिस डजंट लुक वेरी बेसिक बट इट लुक्स ब्यूटिफुल, सो इसीलिए मैंने ये लिया एंड ये मुझे कुछ अराउंड पड़ा 150 रुपीज़ विच आई थिंक इज़ वेरी गुड बिकॉज इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये काफ़ी हैवी भी है सो टोटली वर्थ द प्राइस। ये भी मैंने बांद्रा हिल रोड से ही लिया है। अब जाते हैं नेक्स्ट ईयरिंग पे। सो नेक्स्ट मार्केट जहाँ से मैंने कुछ ईयरिंग्स उठाए हैं वो है कोलाबा। सो अगर आपको पता होगा कोलाबा कॉजवे में बहुत सुंदर ईयरिंग्स मिलते हैं। सो मैंने एक ट्रेंडी ईयरिंग लिया है, दिस इज़ वेरी यूनिक। सो ये है वो ईयरिंग जो मैंने कोलाबा से लिया है। इसके नीचे एक बहुत ही सुंदर ऐसे पॉम पॉम लगा हुआ है एंड इसके साथ एक्चुअली पर्ल ईयरिंग आया था। सो यू वेयर द पर्ल और इसे आप लॉक करते हो विथ दिस पॉम पॉम ऐसे एंड देन द पॉम पॉम इज हैंगिंग नीचे। इज़न्ट इट ब्यूटिफुल? मुझे तो बड़ा प्यारा लगा ये। ये भी मुझे कुछ अराउंड 150 में ही पड़ा है एंड दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस, द क्वालिटी इज डिसेंट। अब कोलाबा से मैंने जो नेक्स्ट चीज़ें उठाई है वो है पर्ल्स। सो मुझे पर्ल्स पर्सनली बहुत पसंद है। मेरे को कुछ समझ नहीं आएगा क्या डालना है या क्या पहनना है तो मैं पर्ल्स ही हमेशा पहनती हूँ। इफ़ यू कैन सी मैंने अभी भी पर्ल्स ही पहने हैं। तो मैंने कुछ ऐसे 6-7 पर्ल्स उठाए थे वहाँ से कोलाबा से। सो मैंने अराउंड 6-7 ऐसे ही पर्ल्स वहाँ से ही पिक किए हैं एंड ट्रस्ट मी गाइज मुझे ये अराउंड 20-30 रुपीज़ में मिले हैं। आपको सिर्फ बार्गेन करने आना चाहिए इन सारे स्टोर्स में। इनके क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप बल्क में कुछ चीज़ें ले रहे हो, जैसे अगर आप 4-5 चीज़ें ले रहे हो, यू कैन ईजिली गेट 4-5 थिंग्स इन 500-600 रुपीज़ एंड ये सब आपको बहुत लंबे समय तक चलेगा। सो द ओनली ट्रिक यर वाइल यू गो स्ट्रीट शॉपिंग इज आपको बार्गेन करने बहुत अच्छे से आना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो दिस इज माई कलेक्शन एंड ये सारी चीज़ें मैंने ली है फ्रॉम Amazon, हिल रोड, कोलाबा, मलाड, सब जगह से। आई होप यू लाइक दीज ईयरिंग्स। सो इफ यू गाइज लाइक द कलेक्शन एंड दिस वीडियो, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड रिंग द बेल आइकन ताकि आप हमेशा नोटिफाइड रहो व्हेनेवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो ऑन माई चैनल। अगली बार मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय।